out this shit and working harder than you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज डे 5 है, फ्राइडे है, तो आज चेस्ट और ट्राइसेप्स करेंगे। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो इस वजह से दिक्कत है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एंड साथ साथ ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये विदाउट डीनोइजर, बिकॉज आज म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो इस वजह से आवाज़ फ्लैट नहीं होगी, तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी, तो अच्छी बात है। बाकी अभी थोड़ा सा वार्म अप दिखाता हूँ एंड देन विल गो फॉर ट्राइसेप्स। लुक अच्छा है, बताना आप कैसा है कॉमेंट्स में। एंड वैलेंटाइंस वीक का चुतियापा शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, ये सब फालतू की बातें हैं, प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस क्रैप, ठीक है। चलो लेट्स गो, वार्म अप दिखाते हैं। तो मैं आपको पूरा वार्म अप रूटीन ही दिखाया करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, तो जैसे वो दिखाया करूँगा, आप उसको सारा एक ही बार के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो पूरे एक दिन के रूटीन में, ठीक है। तो ये रोटेशंस हो गए, वेरी गुड फॉर पुश डे वार्म अप, सेम गोज़ फॉर दिस साइड। फोर ले, गाने चला दिए यार। जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो आज रहेगी इंक्लाइंड बारबेल, सो लेट्स गो। कैसे भाई, वीडियो चल रही थी ना, इस वजह से बोला नहीं मैं, ठीक है आप भाई। चलो लेट्स गो। देखते कैसे आता है। वन टू थ्री। चलो 80 केजी से है एंड मैं तीनों साइड 80 केजी से करूंगा। Five, six, seven, पावर लिफ्टिंग से एक फायदा हुआ है कि मतलब जैसे ना, मैं सारे सेट सेम वेट से लेता हूँ एंड पहले वार्म अप ले लिए सारे, क्यों अपनी मतलब एनर्जी वेस्ट करो, और जब आपका हैवी सेशन हो उसको लास्ट में लो, तो जो हैवी है ना उसको स्टॉप सेट रखो, वार्म अप करते हुए तक पहुँचो उस तक। तो मेरे 80 केजी से तीनों सेट सेम है एंड ये लास्ट सेट है, देखते हैं कैसा आता है। Three, four, जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी उसमें मैं ना होल्ड करके करूंगा, जैसे कल, जैसे परसों बाइसेप में मैंने होल्ड करके किया था, सिमिलरली चेस्ट में भी करूंगा। तो जो भी इम्बैलेंस होता है या फिर आपका जो मसल इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस, वो सब ठीक करता है। अब अपने अकॉर्डिंग वेट देखो, मैं इंक्लाइन पे करता हूँ क्योंकि मेरा इंक्लाइन, मेरा अपर चेस्ट वीक है स्ट्रेंथ वाइज, मसल साइज तो मैंने बढ़ा लिया बट स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी वीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। फाइव करेंगे लेफ्ट हैंड से, फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर वापस से थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब
अब आप उल्ट तो फ्लैट डंबल ना यहाँ पे 32.5 है, फिर 44 या 45 है, एंड देन 55 समथिंग है। तो अभी मैं तीनों सेट इसी से ले रहा हूँ, ये लास्ट सेट है। एंड अभी ना जब तक बैटर नहीं होगा मैं उतना हैवी नहीं जाऊँगा, देखते हैं कि कितना बैटर है आज। तो लेट्स गो। सो मैं फ्लैट की मतलब मिड के लिए, बाकी सारी इंक्लाइन करनी है आज, सिर्फ मिड के लिए मैं फ्लैट डंबल प्रेस कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। इजी बॉय। मेहनत है भाई, मेहनत है। तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लेंगे क्योंकि यहाँ पे मशीन नहीं है, तो अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हो केबल पे। अब इसी पर ही मतलब बेंच पर ही एक एंगल नीचे करेंगे बेंच को, एंड इसी पर फ्लाइज लेंगे। साथ ही साथ जो आपका ना जो यहाँ पे केबल का एडजस्टमेंट होगा वो भी आपको थोड़ा सा नीचे करना होगा, बिकॉज जो फ्लाइज रहती हैं उसमें आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड देन आपको और ज़्यादा इसमें मतलब खींचता है ना, तो जितना ज़्यादा आपका खींचेगा चेस्ट उतने ज़्यादा आपका मसल इंगेज होगा, एंड उतना ज़्यादा आपके और ज़्यादा मसल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे। एंड पीछे थोड़ा सा ना म्यूज़िक आ रहा था तो इस वजह से मुझे इस पर वॉइस ओवर डालना पड़ा, वरना कॉपीराइट हो जाता है यूट्यूब का, बिकॉज मैंने इसमें डीनॉइज़र नहीं लगाया था। बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें ना केबल से आपको कॉन्स्टेंट टेंशन मिलती रहती है। डंबल से बेहतर इसलिए बिकॉज डंबल में ना फिर आपको बैलेंस वही वाला काम आ जाता है, फिर बैलेंस और स्टेबिलिटी वाला। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पर फोकस करना है तो आप इंक्लाइन केबल से करो, एक नंबर लोड आता है। एंड यहाँ पर ना इसकी चेस्ट की वैसी मशीन नहीं है, जो दूसरी मशीन है वो मुझे पसंद नहीं आई, बिकॉज उसमें एल्बो ना फिक्स रहती है, एल्बो का जो वो जगह है ना वो फिक्स है, तो वो मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आ रही है। दिस इज़ गुड, यू कैन ट्राई। आज ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, वो होगी स्टैंडिंग सिंगल आर्म केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। आप चाहो तो लेट कर डंबल से भी कर सकते हो, एंड अगर आपने पहले कभी किया तो मुझे ज़रूर बताना, एंड ट्राई दोनों तरीके से करना, केबल से भी और डंबल से भी, जिसमें आपको बेटर फील हो उससे आप करो। एंड ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, यूनिलेटरल मूवमेंट है, तो आप हमेशा वीक आर्म से पहले करना, एंड साथ ही साथ इसमें आपका लॉन्ग हेड अच्छा करके हिट होगा, तो प्लीज़ ट्राई करना कि कंट्रोल करके करो अच्छा, एंड उतना वेट नहीं जाएगा जितना आप अज्यूम कर लो कि बहुत ज़्यादा उठा सकते हो। सो जितने भी यूनिलेटरल मूवमेंट होते हैं ना, इसमें आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आप मसल मूवमेंट पर करना, वेट पर इतना फोकस मत करना, बिकॉज इनका मेन काम वो नहीं है। सो सेकेंड ट्राइसेप की एक्सरसाइज रहेगी, वो रहेगी केबल किक बैक। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि भाई डंबल से फॉर्म के लिए स्ट्रगल करते हुए कि क्या एंगल बनाएं क्या रखें, ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग केबल पे करो, कांस्टेंट टेंशन आपका बना रहता है, साथ ही साथ आपके ट्राइसेप एक नंबर इंगेज होंगे, ठीक है। एंड सिंगल आर्म करना, बहुत मज़ा आएगा, आप ट्राई करके देखो अगर अभी तक नहीं किया है, एंगल अपने हिसाब से आप फिट कर लो। एंड ट्राई करो ना जो आपका जो हाथ रेस्ट पर जाए तो वो ज़्यादा शोल्डर से आगे ना जाए, ठीक है। एंड जो मेन जो इसका की है वो है आपका कि वो आपके जो पीछे साइड कितना जा रहा है एंड किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल करके अच्छा, एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड दो आप इसको,
वेट अगर कम भी रखोगे चाहे नहीं भी रखो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में फॉर्म सीखने के लिए देखोगे आपकी कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा है। आप मेरे हाथ पे देखो कैसा बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत स्किनी था तो मेरे लिए बड़ा बड़ा दिखना, ह्यूज दिखना एक सपना था। लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई लुकिंग बिग, माशाल्लाह ह्यूज ऐसे, सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि जो भी पतला लड़का देख रहा है इसको, कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग इट एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ट्रस्ट मी। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्राइसेप एक्सरसाइज, सबसे लंबी रॉड से स्कल क्रशर जमीन पे लेट के, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। आप देखो कि किस तरीके से मैं पूरा ऊपर को हाथ एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, एंड सारा लोड आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप पर। आप पहले भी कर सकते हो, तीसरे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मेरा ट्राइसेप ऑलरेडी इंगेज था बिकॉज ऑफ दी चेस्ट मूवमेंट, सो मैंने सोचा ये आखिरी में ले लूँगा जब तक थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। सो बेस्ट है आप सबसे स्टार्टिंग करो तो बिल्कुल ही खाली रॉड से करना, एंड उसके बाद आप ढाई ढाई करके कम कम छोटी छोटी प्लेट्स डालना, बिकॉज वरना ना इसकी जो रॉड रहती है ना वो ज़मीन पे लगने लगती है, जो प्लेट्स रहती हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आपका अगर नहीं लग रहा है बेस्ट है आप उसी हिसाब से वेट बढ़ाओ, बट ये बहुत इंगेजिंग है, बहुत मज़ा आता है, एंड दिस इज़ अ सुपर्ब एक्सरसाइज टू बिल्ड अमेजिंग ट्राइसेप्स। आपकी मर्जी है जैसे मेरे दिख रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज़ अमेजिंग, डू ट्राई एंड डू यूज़ दिस वन विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम, तो भाई फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म, मैंने देखा नहीं था एंड अब्रप्टली बंद हो गया, एंड मैं क्लोजर नहीं दे पाया इसका, तो सोचा कि यहाँ आकर घर पे आके क्लोजर दे दूँ। तो जैसे आज मेरे पास कम टाइम था बट मैं फिर भी जिम गया। सिमिलरली आपको भी जैसे अगर आधा घंटा ही मिल रहा है, 45 मिनट्स में मिल रहा है, एक घंटे में मिल रहा है, आप जाओ यार, आपको ना स्किप नहीं करना है। मैं वैसे 2 घंटे लगते हैं मुझे जिम में, बट एटलीस्ट मैं आज, जैसे आज मुझे 1.25 घंटा मिला तो वो इतना नहीं था, बट मैं गया ना, मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट की, आपने देखी वीडियो, मैंने कंप्लीट की, कुछ चीज़ें तेज़ की, रेस्ट थोड़ा कम लिया बट किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, जिम जाना है, स्किप नहीं करना है, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।